नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मिर्जापुर हलिया धान क्रय केंद्र मवई कलाप मिर्जापुर क्रय केंद्र पर धान न बिकने के बाद किसानों का धरना प्रदर्शन और हाईवे को किया चक्का जाम। सर्वप्रथम कोटाघाट चौराहे पर चक्का जाम किया गया। चक्का जाम करने के बाद किसानों को उप जिलाधिकारी लालगंज, प्रभारी निरीक्षक लालगंज, क्षेत्र अधिकारी लालगंज मौके पर आकर चक्का जाम को खुलवाया और आश्वासन दिया कि सभी किसानों की धान सुचारू रूप से खरीद की जाएगी। तत्पश्चात किसानों ने मानने के बाद फिर भी गोदाम के सामने चक्का जाम किया। तत्पश्चात उप जिलाधिकारी महोदय ने पुनः क्रय केंद्र पर आकर किसानों को आश्वासन दिया और कहा आप सभी का धान खरीद ले लिया जाएगा। किसानों को घर जाने के बाद एसडीएम महोदय ने देखा कैसे किसानों को भड़क रहे हैं और कह रहे हैं जो करना है कर लो, फिर भी हम धान नहीं लेंगे। एसओ अलिया भी तत्काल मौके पर आकर काटा बढ़ाने का एसओ महोदय आदेश दिए। चक्का जाम करने वाला जिला पंचायत सदस्य दिलीप पटेल, दिलीप सिंह, प्रदीप पाल, सतीश पाल मौके पर उपस्थित थे। न्यूज 9 भारत से सत्य प्रकाश की रिपोर्ट। क्या कहना चाहते हो बताओ। हम ये कहना चाहते हैं आप कह रहे ना गारंटी नहीं है आपकी धान तोड़ नहीं है 800 की गारंटी नहीं है। इसका मतलब हम अपना धान क्या करेंगे जहाँ भी हम कहवा 800 की धान थोड़ा गिर पाए और क्या क्या करें। इस तरह से बात कर रहे हो 800 की कौन सी गारंटी आप अब क्या करेंगे। अरे सर इस समय अभी 100 रहा है नंबर 8 बजे। यहाँ से मत बोलो।